स्पीकर दिखावा करते हैं कि वो अपने शिकारी के कहाँ हैं, सो so रूम में कमरे में ऑप्शन ए नेक्स्ट द स्पीकर प्लेस डैश स्पीकर उन कहानियों को प्ले करते हैं जो उसने कहाँ पढ़ी हैं, सो इट्स ऑप्शन सी बुक्स यानी किताबों नेक्स्ट द रोरिंग डैश कम टू ड्रिंक फ्रॉम द रिवर गरजने वाले क्या नदी के पास पानी पीने आते हैं सो इट्स ऑप्शन ए लॉयस नेक्स्ट वेन हिज डैश टेक्स हिम टू बैट ही प्रोटेंड्स टू रिटर्न होम जब उसकी कोन उसे बिस्तर पर ले जाती है तो वो घर लौटने का नाटक करता है सो इट्स ऑप्शन डी नर्स नर्स हियर मीन्स केयर टेकर नेक्स्ट इज थिंक एंड आंसर सोचो जवाब दो क्वेश्चन वन वट द स्पीकर मीन वेन ही सेज दैट हिज पेरेंट्स डू नॉट प्ले एट एनीथिंग हाउ डू यू थिंक ही फील्स अबाउट दिस स्पीकर का क्या मतलब है जब वो कहते हैं कि उनके माता पिता कुछ भी नहीं खेलते हैं आपको क्या लगता है वो इस बारे में कैसा महसूस करते हैं ही that दैट दे डू नॉट प्ले द इमेजिनेटिव गेम्स प्लेज ऑन हिज ओन and एंड टॉक and does सिंग ही very वेरी हैप्पी अबाउट दिस बट ही his हिज ओन वे ऑफ एंटरटेनिंग इसका मतलब ये है कि वो इमेजिनेटिव गेम्स खेलते हैं वो खुद से नहीं खेलते वो आपके पास बैठते हैं बातें करते हैं गाते हैं वो इस बात से बहुत खुश नहीं है लेकिन वो खुद का मनोरंजन करने का अपना तरीका ढूंढ लेता है Question two, do you read क्या आप कहानियों की किताब पढ़ते हैं कहानियां पढ़ने से आपको अपनी इमेजिनेटिव दुनिया बनाने में कैसे मदद मिलती है सो द आंसर इज यस आई रीड स्टोरी बुक्स आई क्रिएट माई ओन इमेजिनरी वर्ल्ड एस आई थिंक ऑफ द प्लेसिस दैट आर डिस्क्राइब इन द बुक आई ऑल्सो

मैं खुद को पूरी तरह से कहानी का एक हिस्सा मानती हूँ इसलिए मुझे लगता है कि पूरा एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही रियल है कहानियाँ मुझे अनजान जगहों पर जाने और अजनबियों से मिलने और ये महसूस कराने में मदद करती हैं कि वो मेरे दोस्त हैं नेक्स्ट इज एप्रीसी पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं पोएम से सो so हमने लिखे हैं लिट नेक्स्ट इज पोइट्री में जो बिगनिंग साउंड होती है words की, वो रिपीट होती है और इस बिगनिंग साउंड के रिपीट होने को हम क्या बोलते हैं एलिट्रेशन नेक्स्ट इज बी फिलिंग के साथ ब्लैंक को फिल करना है सो so, किंग दिया है हमने लिखा काइंडार्क डेन चबी चीक्स फाइव फ्रेंड्स नेक्स्ट इज एक्टिविटी सेलिब्रेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने स्कूल के लाइब्रेरी में जाएं और ध्यान दें कि बुक्स को किन देंशन में डिवाइड किया गया है लाइब्रेरी द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली बाकी चीजों पर भी ध्यान दें फॉर एग्जाम्पल ऑडियो विजुअल एड्स हो गए जैसे कि की ग्लोब्स कंप्यूटर पेन ड्राइव और भी बहुत कुछ फिर ग्रुप में डिस्कस करें कि लाइब्रेरी में आपको कौन सी फैसिलिटीज या फिर सेक्शंस पसंद आए और आप किन चीजों में बदलाव चाहते हैं बुक्स के सेक्शन को हम रेफरेंस फिक्शन नॉन फिक्शन साइंस फिलोसफी हिस्ट्री में डिवाइड कर सकते हैं होप यू अंडरस्टैंड वेल चेकआउट प्लेलिस्ट क्लास फिफ्थ इंग्लिश फॉर मोर सच टॉपिक्स रिलेटेड टू योर बुक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर थैंक्स फॉर वॉचिंग